गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत लोगों की शिकायत होती है, जिनके पास ये हीरो एट्रिया स्कूटी है, ठीक है, जिसने भी परचेज़ की है, वो लोग परेशान रहते हैं दोस्तों इसके स्पीड की वजह से। इसकी स्पीड काफ़ी कम आती है, हालांकि इसके लुक्स बहुत अच्छे हैं, जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। और अगर अगर आपने मेरा पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ आई बटन में जाके देख लो, ठीक है। इस स्कूटी के बारे में मैं सब कुछ बता रखा है। तो दोस्तों, जैसा मैं बोल रहा हूँ ना कि बहुत लोगों को शिकायत होती है ये स्कूटी, मतलब बहुत कम स्पीड चलती है, और कंपनी में इसकी जो स्पीड आती है वो 27 आती है, ठीक है। और मैंने ट्राई भी कर रखा है अपने बाइक से, इसकी स्पीड 27 रहती है। जैसे मैं आपको डबल स्टैंड में करके दिखाता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने इसको डबल स्टैंड में कर दिया, इग्निशन ऑन करता हूँ इसका, और अगर मैं इसको फुल थ्रॉटल देता हूँ तो ये बस 27 तक जाती है दोस्तों। देख रहे हो, जैसे 27 तक जाती है। और वैसे मैंने अपनी स्कूटी का स्पीड बढ़ा दी है, और यही टेक्निक मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि इसके स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। और इस टेक्निक को करने के बाद आपकी स्कूटी की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। उसके बाद तो आपकी स्कूटी रॉकेट बन जाएगी। रॉकेट नहीं बनेगी, लेकिन स्ट्रीट्स में आपको चलाने में मज़ा आएगा। हाईवे में फिर भी थोड़ी कम स्पीड लगती है वो, लेकिन फिर भी 27 से तो ठीक ही रहेगा। तो बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा कुछ सिस्टम नहीं है, बस आपको एक प्लग निकालना पड़ता है, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ता। वो मैं प्लग आपको बताता हूँ, जो जो इस सीट के नीचे आते हैं, ठीक है। ये सीट खोलना पड़ेगा। सीट खोलने के बाद ये टूल बॉक्स होना जरूरी, ये टूल किट होना ज़रूरी है आपके पास। और इस टूल किट में आपको स्क्रू ड्राइवर निकालना पड़ेगा, जिससे हमको ये चारों नट्स खोलने पड़ेंगे। तो मैं खोलता हूँ जल्दी जल्दी से, आपको बताता हूँ, ज़्यादा ये वीडियो लंबा नहीं करेंगे। तो दोस्तों देख रहे हैं, आपको पूरा इसका ऐसे आपको खोलने के लिए मिलेगा। और यहाँ पे आपके दो वायर जॉइंट होंगे, तो उनको थोड़ा सावधानी से खोलना, ठीक है, थोड़ा आगे से खोलना, जैसे मैंने अभी खोल के रखा है। तो यहाँ पे आपको ये बैग दिख रहा होगा, इसमें बैग में कुछ नहीं करना। उसके साइड में आपको ये वाला वायर दिख रहा होगा जो अंदर से आ रहा होगा, जिसका वाइट हेड है और यहाँ पे दो है। तो आपको क्या करना है ना, ये जो ब्लैक वाला है ना, जो दो वाइट वायर से जुड़ा हुआ है, इसको बस आपको अलग कर देना है, ठीक है। ये दोनों ब्लैक जो कपलर है ना, इनको अलग कर देना है बस, और इसको अंदर सेफली डाल देना है। तो अभी इसका मूवमेंट देखना, ये देखो, आपको मुझे पता नहीं स्क्रीन में चेंजेस नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये 100% वर्क करता है, आपकी स्पीड 40+ हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और मेरा जो प्रीवियस वीडियो जिसके बारे में, जिस स्कूटी के बारे में सब कुछ बता रखा है, वो भी देखना, और चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड गुड बाय।